الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों पिछले दो जुमा से इस हदीस के ऊपर बात हो रही है कि इबारत मैंने नहीं पढ़ी आज के पिछले दोनों मरतबा ये इबारत पढ़ी जा चुकी है कि कयामत के दिन 70,000 लोग 70,000 और एक कॉल के मुताबिक उस हर 70,000 के साथ हर एक के साथ दूसरे 70,000 ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में बगैर हिसाब किताब के बगैर अजाब के भेजेंगे, जिनका कोई हिसाब नहीं होगा। इस तरह आप इंग्लैंड के अंदर आते हैं, अगर आपके पास रेड पासपोर्ट है, अब तो ब्लू हो गई है वैसे, तो आप जैसे एयरपोर्ट पर लैंड होंगे तो पहले तो भाई ये ब्रिटिश सिटीजन की जो लाइन होगी वो क्यों अलग होगी और जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं उनकी अलग होंगी, क्योंकि उनका हिसाब होगा, वहाँ पूछा जाएगा कि भाई क्यों आए हो इस कंट्री में, कितनी मुद्दत आप रहेंगे वगैरह वगैरह। तो कयामत में वहाँ भी ऐसी ग्रीन चैनल होगी और रेड चैनल भी होगी वहाँ, तो ये 70,000 ऐसे होंगे जो ग्रीन चैनल वाले होंगे, कोई उनसे पूछेगा नहीं, जाओ बगैर हिसाब किताब के जन्म। हमारे ऐसे कौन लोग हैं तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला यस्तरकून वला यततय्यरून, ला यरकून हुमुल्लज़ीना ला यरकून वला यस्तरकून, ये ऐसे लोग होंगे जो न रुकिया करते हैं न झाड़ फूक करते हैं, वला यस्तरकून न किसी से झाड़ फूक का मुतालबा करते हैं ने किसी को पूछते हैं। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून और अपने रब पर कामिल तवक्कुल करने वाले, भरोसा करने वाले, एतमाद करने वाले ये वो लोग होंगे। तो पिछली दो जुमा को आपके सामने ये बात बताई गई कि इस हदीस में मना किया गया कि झाड़ फूंक नहीं करना चाहिए, दम फूंक दम वगैरह नहीं करना चाहिए, रुकिया नहीं करना चाहिए। तो पिछली नशिश के अंदर दलाइल से आपको ये बताया गया कि बहुत सारे अहादीस से रुकिया करना साबित है, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, सहाबा ने किया है और उलमाए उम्मत का इस पर तआमुल है, आज तक लोग करते आए हैं। तो फिर हदीस के अंदर क्यों मना किया गया, तो मैंने उसके मुताबिक जवाब दिए थे कि भाई वो रुकिया वो दम करना वो झाड़ फूक करना मना है कि जो गैर शरई हो, जो क्या हो गैर शरई हो, यानी शिरकी अल्फाज से, उसके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो शिर्क वाले अल्फाज हों, या उसके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जिसके अंदर नापाक जिन वगैरह के या जो खबीस वगैरह होते हैं, जो शयातीन होते हैं, जो बुत वगैरह होते हैं, उनकी प्रेज की जाती है, उनकी तारीफ की जाती है, ब्लैक मैजिक में यही चीज़ें होती है, इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, या ऐसे अल्फाज के जरिए रुकिया किया जाएगा जिसका मतलब ही पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है। तो ऐसी चीजों से रुकिया करना, दम करना, झाड़ फूक करना ये मना होगा, नहीं कर सकते। और एक मतलब आज मैंने शेख असीमैन की किताब के अंदर पढ़ा कि एक मतलब ये भी बयान किया गया है कि ऐसा झाड़ फूक मना है जो वक्त से पहले हो। ये एक इंसान अच्छा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन वैसे ही खामा खा लोगों के पास भागता रहता है कि भाई मुझे फूक मार दो, मुझे फूक मार दो, कि मुझे दम कर दो, कोई ताबीज़ दे दो ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो। नहीं यानी उसको तो होना तो ये चाहिए कि अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करता, तवक्कुफ करता, बीमारी होने से पहले अभी कुछ हुआ भी नहीं है और इधर उधर भाग रहा है कि भाई मुझे दम कर दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। तो इसलिए मना किया गया है कि वो झाड़ फूक मना है। हाँ, इंसान को जरूरत पड़ जाए तो शरी हदूद में रहते हुए वो किसी के पास जा सकता है, झाड़ फूक करवा सकता है, रुकिया करवा सकता है। शरीयत में उसके असल मौजूद है। पिछले दर्स के अंदर सारी अहादीस मैंने आपके सामने बयान कर दी थी कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकिया फरमाया है, कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने भी रुकिया फरमाया है। दूसरी बात फरमाई गई वला यततय्यरून, कि जो बैड ओमिन्स, फरमाया कि जो बदशगुनी लेते हैं, क्या करते हैं, बदशगुनी लेते हैं, कि शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है। उसकी भी मैंने बहुत सारी मिसालें आप हज़रात के सामने बयान कर दी है कि बैड ओमिन्स अगरचे जहालत के एक ज़माने जाहिलियत के अंदर उनके यहाँ एक रस्म ये चली आ रही थी जिसको लोग बैड ओमिन कहते थे और जिसके ज़रिए से वो बदफाली लेते थे कि वो लोग शव्वाल के महीने में शादी नहीं करते थे। अरब हज़रात जो थे वो शव्वाल के महीने में क्या नहीं करते थे, शादी नहीं करते थे। तो माँ ऐशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि अल्लाह क्या शव्वाल के अंदर शादी करने की ममानात है, शव्वाल के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, क्या अरबों के यहाँ ये रवाज चला आ रहा था। तो हज़रत माँ ऐशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब की शादी शव्वाल के महीने में हुआ थी। तो यानी उसका ये बात ही खत्म हो गई। तो आज भी उसके बहुत सारी, जैसे कि मैंने मिसालें दी थी कि बहुत सारे बैड ओमिन्स की शक्लें चली आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कम है लेकिन फिर भी हैं। बड़े बूढ़ों के अंदर ये चीज़ें बहुत पाई जाती है, कैंची वगैरह चलाना, और कहने के कौवे के बोलने से मेहमान आएगा और अगर कौवे बोल रही है तो कोई आफत आएगी, और कहने के जूता उल्टा पड़ा हुआ है तो उसको सीधा करना चाहिए, और रात के अंदर हुड़ नहीं कर सकते, रात के अंदर नाखून नहीं काट सकते, इसकी शरीयत के अंदर सारी कोई असल मौजूद नहीं है। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो अल्लाह की जात के ऊपर तवक्कुल करने वाले लोग हैं। तवक्कुल क्या है भाई? तवक्कुल है, लफ्जी माना उसका होता है किसी मामले के अंदर किसी कुदरत वाले पर एतमाद करना, भरोसा करना, किसी मामले के अंदर किसी मैटर के अंदर किसी कुदरत वाले के ऊपर, किसी ताकत वाले के ऊपर क्या करना, भरोसा करना। और शरीयत में तवक्कुल कहते हैं असबाब इख्तियार करने के बाद, असबाब इख्तियार करने के बाद जितने भी इंसान सोर्सेज कर सकता है सारे जमा कर सकता है, उसको इख्तियार कर ले। इंसान जॉब करे, ड्यूटी करे और उसके बाद तवक्कुल अल्लाह के साथ पर करे। इंसान काम करे और फिर रिस्क के मामले में तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर करे। बीमार है इंसान, दवाई करे और दवाई करने के बाद तवक्कुल अल्लाह की जात के ऊपर करे। शरीयत में तवक्कुल कहते हैं असबाब इख्तियार करने के बाद नतीजे को अल्लाह के हवाले कर देना, रिजल्ट को अल्लाह के हवाले कर देना। असबाब इख्तियार न करने का नाम तवक्कुल नहीं है। यानी कोई इंसान कहे कि भाई मैं तो अल्लाह के जात पर तवक्कुल करता हूँ, मुझे ये जो असबाब वगैरह है, ये रिसोर्सेज वगैरह है, मुझे नहीं चाहिए। नहीं, इसका नाम तो तवक्कुल ये है कि आप जो कुछ भी, एक आदमी बीमार हो गया, बीमार हो जाने के बाद आप उसको जितने अच्छे डॉक्टर के पास ले जा सकते थे आप उसको लेकर गए, जितनी अच्छी दवाई उसको प्रोवाइड कर सकते थे आपने उसको दवाई दी, जितनी केयर आप उसकी कर सकते थे आपने उसकी केयर की। लेकिन दिल के अंदर यह बात होनी चाहिए कि ये जितनी भी दवाई है, ये जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास मैं लेकर गया हूँ, उनकी दवा के अंदर, उनकी ट्रीटमेंट के अंदर असर भी अल्लाह डाल सकता है। यानी जो असबाब, जो रिसोर्सेज मैंने लिए हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर जो असर आएगा वो अल्लाह की ज़ात से आएगा। ये रिसोर्सेज बजाते खुद अपने उसके अंदर क्या नहीं कर सकते, असर नहीं पैदा कर सकते। दवाइयाँ उसको ये नहीं कर, हाँ उसके अंदर असर भी अल्लाह डालेगा। तो सब कुछ करने के बाद मामला अल्लाह के हवाले कर देना। अगर मामला फेवर में हुआ फलिल्लाहिल्हम्द, अगर मामला फेवर में नहीं हुआ, असबाब इख्तियार करने के बाद आपने खूब कोशिश की लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट आपको नहीं मिला, तब भी क्या करना चाहिए, इंसान के दिल में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई मामला गड़बड़ है। यानी उसके दिल में बदगुमानी अल्लाह के मुतालिक नहीं आनी चाहिए कि मैंने इतनी सारी कोशिश की फिर भी नतीजा सही नहीं निकला, रिजल्ट सही नहीं निकला,
तो इससे मना किया गया। तवक्कुल है कि सब कुछ असबाब इख्तियार करते हुए उसके करने के बाद इंसान नतीजे को अल्लाह के हवाले करे, नतीजे को अल्लाह के हवाले करे, कि असबाब के अंदर भी असर अल्लाह की ज़ात डालने वाली है। अल्लाह बगैर असबाब के भी कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब के ऊपर चलाया। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया कि अल्लाह के हबीब, मैं अपनी ऊँटनी को बांधकर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ? क्या ऊँटनी को बांध दूँ और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ, या अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूँ और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करूँ? अल्लाह पर तवक्कुल करूँ, अल्लाह पर भरोसा करूँ। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ऊँटनी को बांधो और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करो। यानी तुम एक तो है कि भाई कार का दरवाज़ा तुमने खुला छोड़ दिया, उसका शीशा तुमने खुला छोड़ दिया, ताकि बिस्मिल्लाह ही तवक्कल द्वारा हुआ है। अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है कि वो तुम्हारी कार को इसके बगैर भी हिफाजत कर, दरवाज़ा खुला है तब भी हिफाजत कर ले, विंडो खुला है तब भी उसकी हिफाजत कर ले, और अल्लाह करता है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया को असबाब पर चलाया है कि अल्लाह ने तुम्हें अक्ल भी दी है, अक्ल भी इस्तेमाल करना चाहिए कि तुम अपनी तरीके से जितना सबब इख्तियार कर सकते हो। तुमने कार को सही जगह के ऊपर पार्क किया कि जहाँ आमद चोरी चोर डकैती वगैरह नहीं होती है, उचक्के वगैरह नहीं आते हैं, ऐसी जगह के ऊपर पार्क किया आपने। फिर आपने उसको लॉक भी अच्छी तरीके से लगाया, आपने सारे दरवाजे भी चेक किए। तो ये हो गया सारे असबाब, आपने जितने भी रिसोर्सेज कर सकते हैं आपने ले लिए, अच्छी तरीके से पार्क किया, दरवाजे बंद किए और सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गया, तो अब यह तवक्कुल द्वारा होगा। मैंने तो अल्लाह पर तवक्कुल किया था, मेरा तो तवक्कुल असबाब भी इख्तियार कर रहे थे, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा भी था, और अगर मामला बिगड़ गया, नतीजा उसके मुताबिक नहीं हुआ, तो इंसान के दिल में अब यह ख्याल नहीं आना चाहिए, अल्लाह के मुताबिक बदगुमानी नहीं आनी चाहिए कि यार ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मेरी जगह मेरे साथ तो दूसरे ने भी कार पार्क की थी और उसकी कार तो मुझसे अच्छी थी, मेरे पास तो कोसा थी, उसको भी तोड़ के ले गए। तो ये है तवक्कुल, ये तवक्कुल है। हज़रत अब्दुल्लाह बुखारी शरीफ की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यमन वाले लोग जो थे अहले यमन, वो आते थे हज करने के लिए, हज करने के लिए आते थे, लेकिन वो अपना सामान कुछ भी नहीं लाते थे, बगैर सामान के हज करने के लिए आते थे, बगैर सामान के। जब उनसे पूछा जाता कि भाई बगैर सामान के हज करने के लिए कैसे जा रहे हो, तो फरमाया कि यार अल्लाह पर तवक्कुल है, हमारा क्या है तवक्कुल है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ये तवक्कुल का नाम लेकर बगैर असबाब के, बगैर रिसोर्सेज के, बगैर तैयारी के हज के लिए आते थे, और जब हज का ज़माना शुरू होता था तो लोगों से सवाल करते थे कि भाई थोड़े पैसे दे दो, भाई थोड़ा ये दे दो, थोड़ा वो दे दो, ताकि हमारा काम चलता रहे। तो ये कैसा तवक्कुल हुआ, ये कैसा तवक्कुल, ये तो तवक्कुल नहीं हुआ, ये तो लोगों से मांगना हुआ। भाई हमारी जमात यहाँ से जाएगी तो हम अपना सारी तैयारी करके जाएंगे, हमारा सीरियल भी लेके जाएंगे, हमारा बिस्तर भी लेके जाएंगे, और हमारा खाना पीना जो भी गोरा गबला होगा सब लेके जाएंगे हम लोग, हमारे कपड़े लेके जाएंगे। और मैं बिस्मिल्लाह तवक्कुल तो अल्लाह, अब हमारा साथ, अब वहाँ आपको जितनी दावतें मिल गई वो सब बोनस, वहाँ आपको रहने के लिए माशाल्लाह अच्छे गड्ढे मिल गए, ठीक है ना, आपको खाने के लिए, सीरियल के लिए दावत वगैरह आ गई, तो हमारा तवक्कुल का असबाब हम इख्तियार करके जाएंगे। अब ये है कि हम खाली हज जाए, कहाँ पे कहाँ जा रहे हो, ब्लैकबन जा रहे हो, कहा कि ब्लैकबन के मुसलमान तो बहुत सही है, तो कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कहा का कपड़े का भी इंतज़ाम हो जाएगा, और कहा कि सोने का भी और खाने का भी इंतज़ाम हो गया। अब चार पाँच दिन हो गए और किसी ने दावत ही नहीं दी वहाँ पर, किसी ने भाव पूछा ही नहीं, तो अब इंसान के लिए शिकायत आएगी कि यार हमने तो तवक्कुल तवक्कुल किया था, ये तवक्कुल नहीं है, बेवकूफ़ी है, ये तवक्कुल नहीं कहलाएगी, ये तो बेवकूफ़ी कहलाएगी कि हम असबाब इख्तियार करें और असबाब इख्तियार करने के बाद मामला अल्लाह के हवाले करें। इसलिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को देख लीजिए, कई बीसों साल बीमार रहे, और कैसे बीमार रहे, पूरा बदन बीमारी से भरा हुआ है, कोई टच करने के लिए तैयार नहीं, एक वफादार बीवी के अलावा, है नहीं भाई, यही वफादारी के अलावा यही है ना भाई, खुशी में तो सब साथ रहते हैं, हालात आए और बीवी साथ खड़ी रहे तब तो वफादारी है नहीं भाई, सेल्फी लेने के लिए तो सब साथ खड़े रहेंगे, है कि नहीं, जब तकलीफ खिदमत की बारी आएगी, आदमी को संभालना है, मेंटली टूट चुका है, हालात हर तरफ से हालात की यलगार है, और उस वक्त साथ में खड़ी रहे तो वो बीवी कहलाएगी कि ये वफादार बीवी पास में आएंगे, वरना कोई करता नहीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हमेशा साथ रही, खिदमत करती रही,
ऐसे हालात के अंदर पूरा बदन यानी बीमारी से भरा हुआ है, बदन का एक उस जबान के अलावा बाकी नहीं है। 20 साल तक बीमारी में पड़े रहे। अब अल्लाह ने वही की, क्या वही फरमाए कि ए अय्यूब अपना पैर जमीन पर मारो, अपना पैर जमीन पर मारो। अब एक इंसान है 20 साल से बीमारी के अंदर मुब्तला है, एक इंसान 20 साल से बीमारी के अंदर मुब्तला है। अब कोई इंसान बीमार हो, कोविड का मरीज हो, ठीक है ना, अब यह है कि कोई किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला हो, बहुत सख्त हालात के अंदर हो, और आप उसको एक टैबलेट निकाल के देंगे, भाई टैबलेट खा ले, तो मजाक समझेगा कि नहीं, भाई इतनी सारी दवाएं खाई, इतने डॉक्टरों को देखा, इतने हकीम को देखा, कभी वहाँ कभी ये, जिसने जो कहा जो कुछ किया, अब ये क्या है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना पैर जमीन पर मारो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपना पैर जमीन पर मारा तो अल्लाह ताला ने एक चश्मा पैदा फरमाया। सूरह अंबिया की तफसीर के अंदर ये बात लिखी हुई कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर को जमीन पर मारा तो वहां जमीन पर मारने की वजह से अल्लाह ने पानी का एक चश्मा निकाला, और उस पानी की बरकत से अल्लाह ताला ने उनके पूरे जिस्म को पाक कर दिया। बीमारी में बिल्कुल जो जो 20 साल की बीमारी थी, अल्लाह ताला ने इसको क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। हमारे लिए इसमें दो सबक है, हमारे लिए इसमें दो सबक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, वो तो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, नबी हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला के मकबूल बंदे हैं, अल्लाह ताला के नबी हैं, अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शिफा अदा कर सकते हैं, बगैर किसी सबब के उनको शिफा मिल सकती है। अल्लाह का अल्लाह ताला का हुक्म कौन हो जाता, अल्लाह ताला का इरशाद हो जाता और वो अच्छे हो जाते, कौन सी बड़ी बात थी अल्लाह ताला की। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वही की कि तुम भी हरकत करो। अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है, असबाब के ऊपर चलाया है, तो असबाब के दर्जे में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा गया कि पैर जमीन पर मारो, तुम्हारा काम ही है पैर जमीन पर मारना। हालांकि शिफा हम दे सकते हैं, लेकिन सबब यह है। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने भी सबब ये सबब इख्तियार किया, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम के दिल में यह बात नहीं थी कि यार 20 साल से बीमार हूं, 30 साल से बीमार हूं, अब जमीन के ऊपर पैर मारने से क्या मुझे शिफा मिल जाने वाली है, मुझे क्या शिफा मिल जाने वाली है। नहीं, इसमें तालीम हमारे लिए यह है कि सबब को सबब के दर्जे में इस्तेमाल करो, सबब पर नजर मत रखो। सबब चाहे छोटा हो, लेकिन उस सबब के अंदर ताकत और असर पैदा करना अल्लाह का काम है। चाहे छोटा सा सबब होगा, हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन तुम्हारा काम हरकत करना है, तुम शुरू करो। अब तुम्हारी मेहनत के ऊपर, तुम्हारी तवज्जो के ऊपर अल्लाह ताला की मदद आएगी। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं सोचा कि यार पैर इतने सालों से तो कुछ हुआ नहीं, पैर जमीन पर मारूंगा तो क्या हो जाएगा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन पर मारा, वो अल्लाह के कहने से मारा, ये सबब है कि तुम हरकत करो, उस हरकत में बरकत हम डालेंगे। तो पानी का चश्मा निकाला, उनके बदन को क्या हो गई, शिफाया भी हो गई। तो ये हमारे लिए उसके अंदर सबक है, सबब है कि दुनिया दारुल असबाब है, अल्लाह तो कादिर है, लेकिन सबब इख्तियार करने के लिए कहा कि सबब तुम इख्तियार करो, उस सबब के अंदर क्या करेंगे, असर हम डालेंगे, उस सबब के अंदर क्या करेंगे, असर डालना हमारा काम होगा। कितनी बड़ी बात हो गई भाई। तो हमारा हमको भी यही हुक्म दिया गया है कि तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि बगैर असबाब के हम काम का शुरू करें, कि मां मैं इंसान घर बैठा रहूं और फिर क्या, अल्लाह रोजी अल्लाह रोजी अल्लाह रोजी अल्लाह पाउन अल्लाह पाउन अल्लाह पाउन, और फिर मेरे बैंक के अंदर वो काउंटर शुरू हो जाए, मैं दूसरे दिन चेक करूँगी वो माशाल्लाह ये तो बहुत बढ़िया है। नहीं, अपना काम करो, काम करो, हाथ पर खिलाओ, तुम्हारा काम हरकत करना है, और करने के बाद तुम्हारी तिजारत के अंदर बरकत डालना हमारा काम। इसलिए किसान से बढ़कर, फार्मर से बढ़कर कोई बड़ा मुतवक्किल नहीं हो सकता। खेती करने वाला जो खेडूत होता है, जो फार्मर होता है, किसान जो होता है, उससे बढ़कर कोई तवक्कुल करने वाला नहीं हो सकता। नहीं भाई, ये एक इंसान है जो तिजारत करता है, फार्मिंग करता है, खेती करता है, तो एक दाना क्या करता है, ज़मीन के नीचे डाल देता है, ज़मीन को उसने ये किया है, अब उस दाने को ज़मीन के अंदर उसने डाला है,
अब वो दाना कहाँ गया, ना उसने देखा ना किसी ने देखा। अब कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि सख्त गर्मी हो और वो दाना जल जाए, वो दाना जल जाए। यह भी हो सकता है कि उस दाने को कीड़ा खा जाए, उस दाने को क्या खा जाए, कीड़ा खा जाए, जमीन का कीड़ा खा जाए। यह भी हो सकता है कि कोई परिंदा आगे उठा के ले जाए। अब किसान है, वो जो दाना वो जमीन के अंदर डाल रहा है, अब उसको उसका अता पता भी नहीं है कि दाने का क्या हुआ। अब उसकी नजरें टिकी हुई है अल्लाह, कि अल्लाह मेरे बस में तो इतना ही काम था कि मैं जमीन के सीने के अंदर दाना डाल देता, अब उसको उगाना, उसे भुले गुलजार करना तेरा काम। तो बताइए उससे बढ़कर कोई तवक्कुल वाला हो सकता है? इसीलिए मुहद्दिसीन के यहां एक बहस चली कि ताजिर बिजनेसमैन अफजल है या किसान अफजल है। ताजिर यानी बिजनेस करने वाला अफजल है या किसान और फार्मर अफजल है। इमाम मुस्लिम शरीफ की शराह के अंदर अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बहस को किया है। फरमाते हैं कि एक जमात कहती है कि ताजिर अफजल है, तिजारत करने वाला अफजल है, और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की क्योंकि हदीस पाक के अंदर ये बयान किया गया कि अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि जो ताजिर ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ, अमानतदारी के साथ तिजारत करता है, यानी अपनी तिजारत के अंदर झूठ का सहारा नहीं लेता है, अपनी तिजारत के, जैसे आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, रोज़ाना कितने लोग ऐसे आते हैं बेचारे हफ्ते के अंदर कि अभी कोई ड्रॉप शिपिंग के लिए आ रहा है, कोई पूछ रहा है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आ रहा है, और नई नई चीज़ें मार्केट के अंदर आ रही हैं और उसमें हज़ारों पाउंड लोग बना रहे हैं। कोई क्रिप्टो को लेकर आ रहा है कि इसके अंदर ये इसका क्या मसला है, बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी ऐसी हैं कि फुकहा ने इसके ऊपर कोई सराहतन फतवा दिया नहीं है, क्योंकि उसकी अब उसका माल हो अमा अलई जो है कि इसमें किस तरह वर्क होता है, चीज़ें कैसी, किस तरह चलती है, किस तरह से ये चीज़ें होती है, इसलिए एहतियात उसमें अफजल होती है कि जब तक उसका मामला बिल्कुल सामने खुलकर ना आ जाए। फुकहा माशाल्लाह रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, क्या चीज़ें क्या चीज़ें नहीं हैं। ड्रॉप शिपिंग है तो अवलन अगर जिस तरीके से आज किया जाता है, अगर इस तरीके से होगा तो उसकी इजाज़त नहीं है, उसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के साथ हो तो वो हो जाता है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग है तो अभी जो बेसिक उसका उसके मुतालिक भी फुकहा मना करते हैं, क्योंकि उसमें भी चीज़ें बाज़ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बैके जिसके अंदर बैके जो शराइत हैं, बैके जो कंडीशन है जिसकी वजह से बे और ट्रेड सही होता है, वो शर्तें उसके अंदर पाई नहीं जाती है। तो ताजिर सदूकुल अमीन जो है कि सच्चा ताजिर जो होगा, जो अमानतदारी के साथ तिजारत करता है, बिजनेस करता है, तो उसके लिए फजीलत ये बयान फरमाई कि वो कयामत के दिन अम्बिया के साथ होगा और शुहदा के साथ होगा। कितनी बड़ी बात है। ताकि किसी को ये ना हो कि भाई दीन तुम्हें सिर्फ मस्जिदों में ही मिलेगा, ये नबी की इस यानी ये नहीं है कि दीन तुम्हें यही मिलेगा, हाँ ये फराइज है, लेकिन फरमाया कि अगर तुम फराइज के साथ साथ अपनी तिजारत के अंदर भी अमानतदार हो तो तुम्हारी तिजारत भी तुमको जन्नत में ले जाएगी, तुम्हारी तिजारत भी तुम्हें अम्बिया के साथ खड़ा करेगी, तुम्हारी तिजारत भी तुम्हें शोहदा और सिद्दीकीन के साथ खड़ा करेगी। और फरमाया कि तो एक जमा कहती है कि ताजिर अफजल है, ताजिर अफजल है, और दूसरी जमात कहती है कि किसान अफजल है, फार्मर अफजल है। क्यों अफजल है फार्मर? तो कहा कि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोजी मिलती है, फार्मर की वजह से अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को क्या पहुंचाता है, रोजी पहुंचाता है, कि वो जो पकाएगा, जो उसके अंदर बोएगा, उसके अंदर से जो निकलेगा वो खुद खाएगा और कितने लोगों को पहुंचाएगा, उसमें से जानवर खाएंगे, परिंदे खाएंगे। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि अगर कोई किसान है उसके खेत के अंदर से दाना निकलता है और कोई परिंदा उसके अंदर से खाता है, तो अगर वो मोमिन है तो उस परिंदे के खाने पर भी अल्लाह ताला उस फार्मर को, उस किसान को सख्ती का सवाब अता फरमाता है। और फिर उस फार्मर का तवक्कुल देखिए, जैसे कि मैंने कहा उसका तवक्कुल उसके मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि ताजिर जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, उसके पास तो बिजनेस स्टॉक होता है ना,
इसके पास तो बिजनेस स्टॉक है कि भाई उसके पास तिजारत की चीजें पड़ी हुई है। अब उसको पता है दो चीजें तो है कि या तो मुझे उसके अंदर प्रॉफिट होगा, मुझे क्या होगा प्रॉफिट होगा, मुझे नफा मिलने वाला है। अगर नफा नहीं भी हुआ तो कम से कम वो जो उसकी जो मुतल रकम है, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो बाइंग प्राइस है, उसके ऊपर भी उसको बेच सकता है। अगर उसके ऊपर भी नहीं बेचा तो कुछ घाटा खाकर भी उसको बेच देगा, लेकिन उसके पास स्टॉक है। लेकिन किसान का मामला तो बिल्कुल उलट है, उसने दाना जमीन के हवाले कर दिया, अब वो ना दाना दिख रहा है, वो कहाँ गया, किसका क्या हुआ, वो टोटल अल्लाह के हवाले है, अल्लाह के साथ। अब अल्लाह उसके अंदर से जो चीजें निकालता है वो निकालता है, गया तो गया, नहीं तो फिर माशाल्लाह अगर पकता है तो उसकी कितनी सारी मखलूक को फायदा पहुंचता है। तो इस एतबार से खैर, तो दोनों कौल है, बाद लोगों ने इसको अफजल कहा है, बाद लोगों ने इसको अफजल कहा है। तो बात तवक्कुल पे हो रही थी कि असबाब इख्तियार करने चाहिए। अब किसान अगर ये कहे कि भाई मैं तो अब बारिश के मौसम से पहले वैसे ही दुआ कर लूंगा, 2 रकात अपने खेत में जाकर, और तो अल्लाह ताला उसके अंदर क्या कर देंगे, वैसे ही लहरा दी मेरे खेत को, खेत के अंदर खेती पैदा हो जाएगी और चीज़ें आ जाएंगी, अल्लाह कादिर है। लेकिन अल्लाह ने दुनिया को किस पर चलाया है, असबाब पर चलाया है। किस पर चलाया है भाई, असबाब पर चलाया है। इंसान को असबाब असबाब इख्तियार कर लेने के बाद मामला अल्लाह के हवाले किया जाए, अल्लाह के नबी से बढ़कर, और खुद अल्लाह के नबी ने अमल करके दिखाया, सहाबा ने अमल करके दिखाया, कुरान के मुतवक्किलून, जगह जगह तवक्कुल की दावत दी जा रही है। खुद सफर हिजरत के अंदर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के साथ चले, भाई नबी से बढ़कर अल्लाह की जात पर तवक्कुल करने वाला कोई है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, नबी से बढ़कर किसी का तवक्कुल नहीं हो सकता। वो नबी जिस पर बराह रास्त अल्लाह की तरफ से अहकाम आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वही आती है। तो सफर हिजरत के अंदर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जा रहे हैं, और कहाँ छुपे हैं अल्लाह के हबीब, गारे जी, गार के अंदर छुपे हैं ना, जाकर छुप गए हैं ना। तो क्या जरूरत थी, क्या नबी का तवक्कुल अल्लाह की जात पर नहीं था, यह सबब इख्तियार किया ना, गार के अंदर छुपना यह सबब है। अल्लाह चाहते तो बगैर छुपे हुए उनकी हिफाजत कर सकते थे। क्या आप चलते रहे, आप चलते रहे, हम आपको लोगों की नजरों से उछल कर देंगे, कोई आपको नहीं देख सके। लेकिन नबी लोगों को असबाब की तालीम देने आए थे कि दुनिया अल्लाह ने दारुल असबाब बनाई है, यहां सबब इख्तियार करो तुम्हारी गाड़ी चलेगी, तुम्हारी गाड़ी। तो खुद नबी जाकर छुपे हैं और सिद्दीक अकबर के साथ छुपे हैं ताकि कहीं इनके हवा इनके हाथ ना पड़ जाए, हम लोग इनके हाथ पकड़े ना जाए। और कहां तक मामला पहुंच गया है कि सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु वो दुश्मनों के पैरों को देख रहे हैं कि वो लोग वहां उनको सर्च कर रहे, तलाश कर रहे। सिद्दीक अकबर कहने अल्लाह के हबीब, अगर इन्होंने अभी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया और उन्होंने अपने पैर की जगह देख लिया तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तलकीन फरमाई कि उन दोनों के मुताबिक तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिनके साथ तीसरा अल्लाह है। तीसरा तीसरा कौन है, अल्लाह। ये बात हुई, असबाब छुपना हमारा काम था, अब छुपने के बावजूद भी अगर अल्लाह उनको दिखाना चाहते तो दिखा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने असबाब इख्तियार फरमाया। असबाब इख्तियार करने के बाद अब अल्लाह की तवक्कुल तो अल्लाह, हम हमारे हमारे बस में जितना। फिर इंसान ये ना देखे कि सबब छोटा है या बड़ा है, सबब छोटा है या बड़ा है। अल्लाह ने अब्रहा को मारने के लिए किसको भेजा था, परिंदों को भेजा था ना, कितना बड़ा, हाथियों का लश्कर लेके आया था, हाथियों का लश्कर लेके आया था, और परिंदे के परिंदे की चोंच में क्या था, परिंदे क्या लेके आए थे, कंकड़ी, स्टोन। हाथी को देखो, स्टोन को देखो, पूरे इंसान के ऊपर अगर पैर रखे तो मार दे इंसान, कंकड़ी की क्या हैसियत हाथी के सामने। लेकिन तुम असबाब इख्तियार करो, उस असबाब के अंदर असर चाहे वो छोटा होगा लेकिन असर हम पैदा करेंगे। तुम्हारा काम सबब इख्तियार करना है, तुम्हारा काम। तो तवक्कुल का मतलब यही है, इंसान अल्लाह तमाम असबाब को इख्तियार करते हुए मामला अल्लाह के हवाले। कुरान पाक के अंदर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के मुतालिक बयान किया गया, हजरत
मरियम, हजरत मरियम के यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई बगैर बाप के। ये देखिए दुनिया दारुल असबाब है कि यहाँ सबबन औलाद के लिए शादी करनी पड़ती है, औलाद के लिए क्या करनी पड़ती है, शादी करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह बगैर असबाब के भी नतीजा रिजल्ट दे सकते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के मामले के अंदर, कि बगैर बाप के अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई कि नहीं। तो आदतुल्ला ये है, जनरली यही होता है कि रिजल्ट जो होता है असबाब के ऊपर होता है। लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी ऐसी चीजें इसलिए बताते हैं कि अल्लाह सबब का मोहताज नहीं है, अल्लाह बगैर सबब के देना चाहे तो वो दे सकता है, वो कादिर है। तो हमारे दिल में ये एतकाद हो गया बगैर सबब के भी मामला हल हो सकता है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया को सबब पर चलाया। मेरा एतकाद, मेरा यकीन सबब में नहीं होगा, मेरा एतकाद जो होगा अल्लाह पर होगा कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर मामला मेरे फेवर में ना हो तो ना हो सकता। तो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि जाओ तुम उस खजूर के तने को हिलाओ, खजूर का जो तना था, खजूर का जो दरख्त होता है उसको जाके हिलाओ, और उसके ऊपर से जो खजूरें गिरेंगी, उसके ऊपर से जो खजूरें गिरेंगी उन खजूरों को तुम खाना। यानी पक्की पक्की खजूरें, जो पक्की खजूरें होती है वो गिर जाती है हिलाने से, तो पक्की खजूरें गिरेंगी तुम उसको खा लेना। अब देखिए इसमें हमारे लिए सब क्या सबक है कि अल्लाह ताला हजरत मरियम को बगैर बाप के बेटा दे सकते हैं। अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के औलाद दी, तो क्या वो अल्लाह बगैर खजूर के दर के उनको खजूर नहीं खिला सकते? सारे फ्रूट आते थे ना उनके पास, तो ताजा फ्रूट उनके पास आते थे कि भाई फ्रूट कहाँ से आ रहे हैं, अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं। तो यहाँ फिर खजूर के दर को हिलाने का हुक्म क्यों दिया, वैसे ही वहां से उठा के दे दे। सबब दुनिया दारुल असबाब है, हरकत तुम्हारा काम है। और फिर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने यह ना सोचा भाई खजूर का जो दरख होता है ना तो वो बिल्कुल रॉक सॉलिड होता है, सॉलिड। अगर मैं कहूँ कि अगर हम पांच आदमी भी मिलकर हिलाएंगे तो वो हिलेगा नहीं, वो इतना सॉलिड होता है, इतना सॉलिड होता है। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब कहा कि दरख्त हिलाओ तो उन्होंने कहा कि यार मैं कमजोर औरत, सिर्फ नाजुक, मैं ऐसे दरख्त को कैसे हिलाऊंगी? लेकिन नजर अल्लाह पर, कि अल्लाह ने कहा है कि सबब इख्तियार करो तो करो, अब हिलेगा कि नहीं हिलेगा वो अल्लाह के हवाले है, मुझे तो हिलाना है, मुझे तो हरकत करना है। अब वो कितना हिलेगा कितना नहीं हिलेगा वो तो अल्लाह ही जानता है, कमजोर औरत है। लेकिन उन्होंने हिलाया और ऊपर से खजूरें गिरी। उसमें हमारे लिए सबक है, क्या सबक है? यही सबक है कि भाई तुम्हारा काम असबाब इख्तियार करना है, तुम सबब को ना देखो कि सबब कितना छोटा है कितना बड़ा है। एक और हदीस पाक के अंदर क्या है कि रात के अंदर सोने से पहले अपने बर्तन को क्या कर लिया करो, ढांक दिया करो। सोने से पहले हदीस पाक में ये हुक्म दिया गया है कि सोने से पहले घर के बर्तनों, हमारे यहाँ औरतें इसकी बड़ी क्या करती है, लापरवाही करती, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब किसी ने खाया है, थोड़ा खाना बचा है तो उसको खुला वैसे ही छोड़ दिया, अब घंटों घंटों तक वो खुला वैसे ही पड़ा रहता है। मेरे दोस्तों हम एक एक दाने के मोहताज हैं, अगर ये खाना हम अल्लाह हम तक न पहुंचाए तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमको ये दाना पहुंचा सकती है? तो हम इतने मुस्तकी हो गए, हम इतने शान दिखाने वाले हो गए कि खाना खुला पड़ा हुआ है और हम ये बताना चाहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। नहीं, हम इसके मोहताज हैं, इंसान उसको मोहताज समझ के खाए। मैंने हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को देखा, कि जब हजरत को पानी भी दिया जाता था तो ऐसे बैठे होते थे तो पानी भी झुक कर पीते थे, पानी भी पीते थे तो ऐसे झुककर पीते थे और कहते थे कि बच्चों हम इसके मोहताज हैं, ये अल्लाह की नेमत है, अगर ये हमको न पिलाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मिला सकती। हमारे सामने हजारों मिसालें मौजूद है कि जो एक एक पानी की बोतल के लिए, एक एक पानी के कतरे के लिए, लीटर ऑफ पानी के लिए माइस माइस तक उनको वॉक करना पड़ता है, और वो पानी भी उनको गदला, और वो भी पानी भी सही और प्योर नहीं मिलता। तो हम इतने नाकदरे हो गए कि अल्लाह की नेमतों की हम इस कदर नाशुकरी करें।
कि बेनियाज हो जाए खाना। और बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि दस्तरखान बिछा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है और कोई बैठने वाला नहीं है। इसीलिए खाने के आदाब में से क्या बयान किया गया कि हम खाने का इंतजार करें, खाना हमारा इंतजार ना करें। ये अदब के खिलाफ है। यानी हम अपना शान इस्तिग्ना बता रहे हैं कि मुझे इसकी जरूरत, खाना बड़ा हुआ है, दस्तरखान बिछा हुआ है और कोई बैठने वाला नहीं। हम पहले बैठेंगे, खाना बाद में आएगा, हम खाने का इंतजार करेंगे, हम मोहताज हैं। ये अल्लाह की नेमत। तो भाई अल्लाह की नेमतों की कदरदानी करनी चाहिए। तो किचनों के अंदर अगर ऐसा खाना ऐसे खुला छोड़ना नहीं चाहिए, टिश्यू वगैरह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के अंदर तुम अपने बर्तनों को ढक दिया करो। बहुत से मतलब ऐसा खाना वगैरह होता है फ्रिज में रख दिया। फरमाया कि अगर तुम्हें ढांकने के लिए कोई चीज़ ना मिले, ढांकने के लिए उसको कवर करने के लिए कोई चीज़ ना मिले, तो नबी ने क्या हुक्म फरमाया कि कम से कम एक लकड़ी ही रख दो उसके ऊपर, एक स्टिक रख दो, वुडन स्टिक। तुम्हारा काम सबब इख्तियार करना है, उस खाने की हिफाजत करना हमारा। पूरा मिल जाए टिश्यू रख दो, फॉइल मिल जाए फॉइल रख दो, प्लास्टिक मिल जाए प्लास्टिक, कुछ ना मिले तो हदीस पाक में फरमाया गया कि कम से कम एक स्टिक उसके क्रॉस के अंदर, उसकी लेंथ के अंदर, उसकी विड्थ के अंदर रख दिया, ताकि वो बर्तन, तुम्हारा काम इतना था कि तुमने उसके ऊपर जो तुम्हारे पास जो चीज मयस्सर थी वो तुमने रख दी, अब हिफाजत रख दी। तो हम तो भाई ये दुनिया अल्लाह ने असबाब पर चलाई, तवक्कुल इसी का नाम है। असबाब इख्तियार करेंगे और रिजल्ट अल्लाह के हवाले करेंगे। वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून। फकामा उकाशद इब्न महसन, ये पूरी जब हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई कि ऐसे 70,000 लोग होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, तो उस मजलिस के अंदर इसी तरह मजलिस लगी हुई थी, उकाशा इब्न महसन खड़े हो गए, अल्लाह के हबीब उद्दुल्लाह अन यजअलनी मिन्हुम, कि अल्लाह के अभी दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे उन लोगों में बना दे, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने वालों में बना दे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मिन्हुम, अंत तुम उन्हीं में से हो, यानी तुम बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाओगे। अब इस हदीस को पढ़ने के बाद हमारा ये अकीदा होना चाहिए, हमें इस बात की शहादत देंगे कि उकाशा इब्ने महसन उन सहाबा में से होंगे कि जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, क्योंकि गवाही मौजूद है, नबी ने उनको किया आगे तुम उन्हीं में से। अच्छा, अब इन्होंने देखा तो एक और साहब खड़े हो गए, आकर मिनहुम, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए। तो फरमाया कि सबक बिहा उकाशा, क्या उकाशा तुम पर सबकत ले गए, यानी उकाशा ने बाजी मार ली, उकाशा ने मौके का फायदा उठा लिया, उकाशा तुमसे आगे बढ़ गए, उकाशा तुमसे क्या हो गए, आगे बढ़ गए। अब इस जुमले के अंदर लताफत और बलागत देखिए, अरबी की खूबसूरती देखिए, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शान नबूवत और उसकी उसकी बलागत देखिए। अगर इंग्लिश के अंदर हो जाके मैं कह रहा कि भाई अल्लाह ताला 70,000 लोगों को जन्नत में ले जाएंगे, तो कोई खड़ा हो जाता तो कहा कि भाई ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा खड़ा होता तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, नो थैंक्स, या कहेंगे कि नो वे, या कहेंगे बैठ जाओ। ये अरबी की खूबसूरती है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामीउल कली के कलीम थे, ताकि सबक इतना प्यारा जवाब दिया। और शेख असिमैन ने तो फरमाया कि रद्दुन जमील, ये यानी इससे बेहतर तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता, यानी नबी ने मना भी किया लेकिन ऐसे पैराए के अंदर मना किया कि ऑफेंसिव भी ना हो और उसका दिल भी ना टूटे, उसका दिल भी ना टूटे। और ये जुमला आज तक चला रहा है, यानी उलमा की जबान के ऊपर ये जुमला आज तक जबान जद है, उलमा इसको अपने जुमलों के अंदर भी इख्तियार करते हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक मामला हुआ, मेरे उस्ताद थे, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, मेरे लिए कुछ किताबों का इफ्ताह के अंदर कुछ किताबों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, अगर मेरे पास इंतज़ाम हुआ तो मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगा इंशाल्लाह, तो हम कुछ किताबें बाय कर लेंगे, ठीक है। तो फिर जब मेरे पास इंतज़ाम हुआ तो मैंने उनका रब्ता किया कि सर मेरे पास कुछ इंतज़ाम हुआ है, कुछ रकम आई है, अगर आपको चाहिए तो किताबों का इंतज़ाम। तो कहा कि किसी और ने किताबें खरीद ली, तो मैंने उनको टैक्स के अंदर यही जवाब भेजा, कहा कि सबक कभी हाँ उकाशा, कहा कि उकाशा सबकत ले गया, उकाशा सबकत ले गया, यानी उकाशा आगे बढ़ गया, बाजी मार गया। तो कितना प्यारा जवाब है ये, कितना प्यारा जवाब है कि ऑफेंसिव भी नहीं है, कहा कि ऐसा भी नहीं कि तुम
अब तुम्हारे लिए ये नहीं है। कहा कि ये एक सीट थी उस उकासा को मिल जानी चाहिए थी, वो मिल गई उनको। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने उनको क्यों मना किया, यानी उनको ये फजीलत क्यों नहीं मिली, इनको फजीलत क्यों नहीं मिली। तो हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को एक ही आदमी की परमिशन दी गई कि एक ही आदमी को इसकी इजाज़त होगी कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उनको इजाज़त दे सकते हैं। बाज़ लोगों ने कहा कि ये जो खड़ा होने वाले साहब थे वो मुनाफिक थे, और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाना ये अल्लाह का फजल है, और अल्लाह का फजल मुनाफिक को मिलता नहीं है। वो क्या नहीं हो सकता है, मुनाफिक को नहीं मिल सकता था। और एक जवाब ये भी है कि अगर अल्लाह के हबीब इसको भी हाँ कहते तो फिर ये तसलसल हो जाता, उसके बाद तीसरा खड़ा होता, फिर चौथा खड़ा होता, पांचवा खड़ा होता, और फिर ये सिलसिला चलता ही रहता बात में आने। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही के ऊपर ये कह दिया गया कि सबब कभी हाँ वकाशा फिर वकाशा सब कर देंगे। ये हदीस आज खत्म हो गई, इंशाल्लाह अगले हफ्ते अगली हदीस पढ़ेंगे। अच्छा भाई जी, ये इस्तिंजे का बाब खत्म हो गया, अब यहाँ से वुजू की बात चल रही है, वुजू का बाब शुरू हो रहा है। अहादीस के अंदर वुजू की फजाइल कसरत से आए हैं। वुजू करने से बदन के गुनाह माफ होते हैं, यानी इंसान जब वुजू करता है तो उसके बदन से गुनाह क्या होते हैं, जड़ते हैं। और फरमाया कि जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वुजू करने वाले के आज़ा कयामत के दिन चमकदार और रोशन होंगे। कयामत के दिन जिन जिन आज़ा को वो धोता होगा वुजू के अंदर, वो चमकाए जाएंगे। लेकिन ये उस वक्त है सारा सवाब जब वुजू सुन्नत के मुताबिक किया जाए। हदीस में वुजू को अच्छी तरह करने की बड़ी ताकीद आई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी में ख़ास तौर पर वुजू अच्छी तरह करना चाहिए। सर्दी के अंदर ठंडे मौसम के अंदर वुजू को अच्छी तरह करना चाहिए, क्योंकि इंसान क्या करता है जब ठंडी लगती है तो जल्दी जल्दी वुजू करता है कि जितना जल्दी हो सके। अब यहाँ तो ये मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पानी गर्म मौजूद होता है, लेकिन कभी कभार ये एक्सपीरियंस होता है। तो इस हदीस पर, इस बात पर फजीलत हासिल करने के लिए हमें अगर पानी कभी ठंडा मिल जाए तो अच्छी तरह कम से कम वुजू करना चाहिए, ताकि हमें ये फजीलत भी हासिल हो जाए। यहाँ वुजू अल मकार है, ये तबीयत ही चाह रही है कि इंसान वुजू करे, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश करके थोड़ा दिल को मार के क्या कर ले भाई, वुजू कर ले। एक हदीस में है कि वुजू में एड़ी सूखी रह जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नाराज़गी का इजहार फरमाया, क्योंकि आम मतलब एड़ी ऐसी चीज़ होती है कि इंसान जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है कि रह जाती है, बहुत सी मरतबा इंसान की जो ये एड़ी होती है, हील जो होती है, हील होती है, तो इंसान को कोशिश करना चाहिए कि उसको अच्छी तरीके से धोए। और एक और हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल वुजू की दुआ मांगा करते थे। नबी की दुआ थी कि और कामिल वुजू की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे। इसलिए अगर वुजू सही होगा तो नमाज भी सही होगी, वुजू नाकिस होगा तो नमाज भी हमारी क्या रहेगी, नाकिस रहेगी। लिहाजा हम लोगों को चाहिए कि वुजू सुन्नत के मुताबिक करें। हम लोग ये समझते हैं कि वुजू सिर्फ मुंह और हाथ धोने का नाम है, जिस तरह चाहे धो ले, हालांकि वुजू भी एक अहम इबादत है, ये भी क्या है, एक अहम, उसको इबादत समझ कर करें और उसको सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए। और नॉर्मल हालात के अंदर भी इंसान को वुजू के साथ रहना चाहिए। उसकी बहुत उस अब मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन आप खुद उसको इसका अमल करके देखें, उसके बहुत सारी बरकत है। इंसान अपने काम के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर भी इंसान अगर उसको वुजू के साथ रहा करे। पर एक चीज़ तो ये है कि इंसान को अपनी मौत का पता नहीं है कि मौत कब आ जाए, तो कम से कम इंसान जाएगा तो वुजू की हालत में जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि वुजू बरकत वाली चीज़ है, इंसान अपनी रोज़ी के ऊपर वुजू के साथ होगा तो वो रोज़ी के अंदर भी बरकत पैदा करेगी। बस में अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।